जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्यूब टॉक। दोस्तों, नेटफ्लिक्स की अवेटेड सीरीज रेजिडेंट ईविल अब नेटफ्लिक्स से प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो चुकी है। और दोस्तों, अच्छी बात यह है कि इंग्लिश के साथ साथ इस सीरीज को हिंदी डब्ड वर्जन में भी रिलीज किया गया है। और टोटल दोस्तों आपको इसके 8 एपिसोड देखने को मिलते हैं, जहां हर एक एपिसोड की लेंथ 48-60 मिनट्स के आसपास है, यानी कि ऑलमोस्ट 7 घंटे का टाइम लगता है आपको इस वेब सीरीज को देखने के लिए। और दोस्तों, आप जब से मैंने इसके सुबह रिलीज टाइम की आपको अपडेट दी थी, तब से मेरे पास काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे इसके रिव्यू को लेकर कि क्या ये वेब सीरीज ऐसी है जिस पर टाइम लगाया जाए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या इस सीरीज को देखने से पहले कुछ और देखना पड़ेगा जिससे इस सीरीज की समझ आ पाए। तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को पूरा सुन लेना इसके रिव्यू के लिए, ताकि आपको पता चल जाए आप इस पे टाइम लगाना चाहिए या नहीं, और इसके साथ साथ दोस्तों क्या कुछ इससे पहले हुआ है जो आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए इस सीरीज को देखने के लिए। दोस्तों, पहले बात करते हैं इस सीरीज के प्लॉट की। यहां पर दोस्तों आपको दो टाइमलाइन देखने को मिलेंगी, 2022 यानी कि आज की, और इसके साथ साथ 2036 यानी 2022 ईयर एंड 2036 ईयर की दो टाइमलाइन आपको देखने को मिलेंगी। और पहले आपको 2036 में दोस्तों एक वायरस के स्प्रेड होने के बाद दुनिया कैसे तबाह हो गई है उससे इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। और दोस्तों, फिर आपको 2022 में आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद ये 2036 की घटनाएं हो गई हैं, ये सब आपको दोस्तों दिखाया गया है। और यहाँ पर आपको जोम्बीज में पूरी दुनिया कन्वर्ट होते हुए दिखेगी, और उसके बाद दोस्तों काफ़ी सारे ब्रूटल किलिंग सीन्स और ट्विस्ट एंड टर्न आपको इस सीरीज में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप जोम्बीज से रिलेटेड वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं और आपको ब्रूटल किलिंग्स, ब्लडी सीन्स देखना पसंद है और ट्विस्ट एंड टर्न भी आपको देखना पसंद है, तो दोस्तों रेजिडेंट ईविल सीरीज आपके लिए एक बहुत बढ़िया सीरीज होने वाली है। ऑफकोर्स दोस्तों, अगर बात करूं इसके बैकग्राउंड की, इससे पहले आपको क्या देखना होगा, तो दोस्तों ये एक फ्रेश सीरीज है, ये एक वीडियो गेम के ऊपर बेस्ड है। और अगर आप वीडियो गेम के दीवाने नहीं है या आपने कभी वीडियो गेम नहीं खेली है, तो भी आप इसे जीरो से समझ पाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसे समझने के लिए, क्योंकि कहानी यहाँ पर नहीं है। इससे पहले रेजिडेंट ईविल नाम से दोस्तों काफ़ी सारी मूवीज पहले भी आ चुकी हैं, लेकिन इसका उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। तो आप डायरेक्ट इस सीरीज को देख सकते हैं, आपको कोई बैकग्राउंड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको जोम्बी से रिलेटेड सीरीज देखना पसंद है, तो आप इस सीरीज को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी एग्जीक्यूशन वाले सीन्स हैं, ब्रूटल किलिंग के सीन्स हैं, ब्लड के सीन्स हैं और ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जो आपको डेफिनेटली एंटरटेन करेंगे। दोस्तों, इस सीरीज की लेंथ जरूर थोड़ी सी लंबी है, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों, अगर आपने पहले कभी कोई भी रेजिडेंट ईविल या फिर सिर्फ बेसिक टाइप की जॉम्बी मूवीज या सीरीज को देखा है, तो दोस्तों ये सीरीज आप देख सकते हैं, इसके ऊपर आप डेफिनेटली अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप इसको एंजॉय करेंगे, क्योंकि इसके अंदर मुझे काफ़ी कुछ ऐसा देखने को मिला जो इसकी एग्जीक्यूशन से रिलेटेड था, जिसमें आपको दोस्तों मज़ा आता है इसके सीन्स को देखने में। ऑफकोर्स ये उन ऑडियंस के लिए नहीं है जो प्रो जॉम्बी मूवीज ऑडियंस हैं, जो पहले ऑलरेडी सब कुछ जॉम्बी से रिलेटेड देख चुके हैं, उनके लिए शायद इसमें कुछ नयापन ना हो या फिर उन्हें उतना ज़्यादा इंटेंसिटी इसमें ना लगे। लेकिन अगर आप एक ऐसी ऑडियंस हैं जो सिर्फ एंजॉय करते हैं, नई यंगर ऑडियंस है जो जॉम्बीज की सीरीज़ या मूवीज़ को एंजॉय करते हैं, तो आप इसे एंजॉय करेंगे। मुझे ये सीरीज़ काफ़ी डिसेंट लगी है, और जितना भी मैंने इसको जाना और देखा है दोस्तों, मेरे हिसाब से ये एंटरटेन ज़रूर कर जाएगी आपको। तो दोस्तों, ये था मेरा एक क्विक रिव्यू आपके लिए। ये सीरीज़ बढ़िया है, आपको टाइम ज़रूर स्पेंड करना पड़ता है, आप एंजॉय करेंगे अगर आपको किलिंग और ब्लड टाइप के सीन्स पसंद है, और कोई भी बैकग्राउंड आपको होने की ज़रूरत नहीं है इस सीरीज़ को देखने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप इस सीरीज को देखना चाहते हैं, तो नेटफ्लिक्स पर ये रिलीज हो चुकी है, लेकिन अगर आप इसे देखने के लिए कुछ और इंतजाम करना चाहते थे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। अंटिल आई गेट बैक टू द नेक्स्ट वीडियो, इट्स गुड बाय फ्रॉम ट्यूब टॉक।